उसके बाद बच्चों ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिटी इनवर्स एसोसिएटिव कमोटेटिव, ये सारे टॉपिक हैं 5.1 के। 5.2 और 5.3 के जो टॉपिक है ना वो मैं कंबाइन मतलब एक साथ ही आप लोगों को करवा रहा हूँ ना सारी चीजें, तो उनके जो टॉपिक है उसको आप बोलते हो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अब सवाल है कि क्या चीज होती है अलजेब्रिक। अच्छा प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी भी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन वो इन डेफिनेशन में उसका काम नहीं है, लेकिन होती है प्रॉपर्टी वो कहीं मौका आया तो डिफाइन करूंगा मैं। अभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है कि बच्चों एक सेट आपने कंसिडर करना है और एक सेट और कोई भी आपने ऑपरेशन डिस्कस करना है। जैसे बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ नॉन एम्प्टी सेट एस ले लिया आपने टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, कि एक सेट और एक ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन भी हो सकता है वो दो ऑपरेशन भी हो सकते हैं, अगर आप इनको टुगेदर डिस्कस करो तो उसको क्या बोलोगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है, एक सेट और एक ऑपरेटर। अच्छा एक ऑपरेटर भी हो सकता है दो ऑपरेटर भी हो सकते हैं, आप लोग ने एक ही ऑपरेटर डिस्कस करोगे यहां पे, लेकिन मैं आपको बता दूं दो ऑपरेटर वाला भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एक सेट, मतलब दो ऑपरेटर और एक सेट कंसीडर होता है, वो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना। उसको आप आई गेस कहते हो रिंग्स कहते हो आप, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगेन पोर्शन है प्योर मैथमेटिक्स का, ये डिस्क्रीट सॉरी रिंग्स होता है वो, उसकी भी डेफिनेशन है कि एडिशन के हिसाब से वो जो प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए हैं पांचों उनको सेटिस्फाई करे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप बताऊंगा मैं क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको आप रिंग्स कह रहे होते हो। तो वहां पे दो ऑपरेशन आप डिस्कस करते हो एक सेट के साथ, लेकिन यहाँ पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक सेट होगा और एक ऑपरेटर होगा, उसके हिसाब से जो भी बात की जा रही होगी, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर और एडिशन, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आप इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप पढ़ो तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो असल चीज ये है कि आपने एक सेट लिया एक ऑपरेटर लिया, अब जो भी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लाया जाएगा, अब जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो वो बात की चीज है, वो आप कोई भी प्रॉपर्टी उनके दरमियान डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो बेसिक बात है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं, पहला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे ग्रुपॉइड। अब सवाल ये ग्रुपॉइड क्या होता है, जितने भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है एक सेट और एक ऑपरेटर, दो ऑपरेटर की डिस्कशन नहीं होगी, मतलब एक सेट और उसके साथ एक ऑपरेटर होगा। अब वो ऑपरेटर एडिशन भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कभी कभी आप सब्ट्रैक्शन डिवीजन भी कंसीडर कर लेते हो। अब सवाल है ग्रुपॉइड क्या होता है, भाई ग्रुपॉइड ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें जो ऑपरेटर आप डिस्कस कर रहे हो ना वो बाइनरी ऑपरेटर होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स के जस्ट पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हूं मतलब क्लोजर हो तो आप उसको ग्रुपॉइड बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो बुक में ऐसे कौन से एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ग्रुपॉइड में बुक वालों ने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेट डिस्कस किया है टी जिसके अंदर है 10 20 30 40 50 और एक ऑपरेटर अलग से उन्होंने डिफाइन किया, बुक वालों ने जो ऑपरेटर डिफाइन किया वो ये है एक्स स्टेरिक 40 सॉरी एक्स स्टेरिक वाई इक्वल टू 40, रोटेशन उन्होंने अलग लिखी हुई। अब ये जो ऑपरेटर है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टी उन्होंने कंसीडर किया है, टी कंसीडर किया है 10 20 30 40 50 ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करवाओ रिजल्ट 40 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 को ऑपरेट करवाओ 20 से तो रिजल्ट 40 आ रहा है, आप 30 को ऑपरेट करवाओ फॉर एग्जांपल 40 से तब भी रिजल्ट 40 आएगा, किसी भी दो को ऑपरेट करवाओ रिजल्ट में 40 आना है। तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ये जो ऑपरेटर डिस्कस किया है ना ये जो ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट मतलब जो क्या आपको बता रहा है कि दो नंबर पे अप्लाई करो रिजल्ट 40 आ रहा है, ये एडिशन नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है अलग से उन्होंने डिफाइन किया है, तो ये जो ऑपरेटर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इन अदर वर्ड्स ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है इस सेट के लिए। तो ये जो अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर है ना ये वाला सेट और ये वाला ऑपरेटर ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा ग्रुपॉइड। तो सिंपल ग्रुपॉइड में क्या होता है कि जो ऑपरेटर हमने डिस्कस किया है वो बाइनरी ऑपरेटर हो, इन अदर वर्ड्स पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा हो उसको आप ग्रुपॉइड बोलते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुपॉइड हैं जो कि दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं मतलब वो एसोसिएटिव भी होते हैं, तो वो अगला उनका नाम क्या होता है, उनको आप बोलते हो सेमी ग्रुप। अब सवाल है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप आप इस तरह समझ सकते हो कि ग्रुपॉइड विद एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या इस तरह बोल सकते हो एसोसिएटिव ग्रुपॉइड, मतलब ग्रुपॉइड हो जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने डिस्कस की थी। तो अब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलोगे, सेमी ग्रुप बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, इस वाले में तो आपने एग्जाम्पल डिस्कस की थी बुक की, कि फॉर एग्जाम्पल टी था 10, 20, 30 और हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, मैं चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल को, इजी कर रहा हूं, ये ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। तो ऑपरेटर क्या है कि जो भी दो नंबर का ऑपरेट करो आंसर 10 आएगा। तो अगर आप इस सेट को कंसीडर करो और इसको कंसीडर करो, तो ये टी और ऑपरेटर, ये क्या है, ग्रुपॉइड। अब ऐसा ग्रुपॉइड जो एसोसिएटिव भी हो उसको आप क्या बोलोगे, सेमी ग्रुप बोलोगे, ठीक है। और वो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है उसकी नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव। आपको पता है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव क्लोज होते हैं, मतलब पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेटर है। दूसरी चीज एसोसिएटिव होते हैं, वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती उसके अंदर, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात करें। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये ऐसा ग्रुपॉइड है जो कि एसोसिएटिव है, जिसका मैं नाम रखा हुआ है सेमी ग्रुप। तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ये क्या है, ये ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसको आप सेमी ग्रुप कहते हो। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना जिसमें आपका जो सेमी ग्रुप है, जो सेमी ग्रुप है वो क्या हो जाए, सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाए। मैं शॉर्ट शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, प्रॉपर जुमले नहीं लिख रहा, मैंने कहा इसको इस तरह भी आप बोल सकते हो, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट, के ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि सेमी ग्रुप हो और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसका नाम क्या रखा हुआ, उसका नाम रखा हुआ मोनॉइड। ये नाम बुक ने डिस्कस नहीं किया लेकिन मेंशन किया हुआ, नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल पेज नंबर 148 के आखिर में लिखा हुआ है, सेमी ग्रुप इज सेड टू बी सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो इसको बस जनरलाइज उन्होंने नाम बोल दिए कि सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कह रहे हैं कि सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट आप उस वक्त बोलोगे जब सेमी ग्रुप में जो आपने सेट कंसिडर किया था उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे। तो ये कोई नाम नहीं है सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट, असल नाम है मोनॉइड। मोनॉइड वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ऐसा सेमी ग्रुप है जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब आप क्या बोलोगे, मोनॉइड। सिंपल लैंग्वेज में जो ग्रुपॉइड है वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है, सेमी ग्रुप जो है वो शुरू की दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर एसोसिएटिव। जो मोनॉइड है वो ऐसा है कि जो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर को भी, एसोसिएटिव को भी, और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर। और इसकी एग्जाम्पल हम कौन सी लिखे, इसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मोनॉइड है ये, क्योंकि तीसरी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी वन होती है तो मोनॉइड है ये, क्लोजर एसोसिएटिव और क्या कहते हैं आइडेंटिटी भी होगी इसके अंदर। और चौथी वाली चीज है जो आपको, ये 5.2 का टॉपिक है, बस 5.3 के टॉपिक में उन्होंने फिर एक और चीज मेंशन की हुई है, और वो क्या है, वो है ग्रुप। ये जो चैप्टर का नाम है ना ग्रुप का, वही चीज आने वाली है, ये ग्रुप क्या होता है। भाई ग्रुप ये होता है कि मोनॉइड जो कि इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ऐसा मोनॉइड जिसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करे उसको आप बोलते हो ग्रुप। तो अब ग्रुप चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो मोनॉइड है तो शुरू की तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और मोनॉइड विद इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ग्रुप के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, भाई इसकी एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल इंटीजर विद पॉजिटिव, ये ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसको आप ग्रुप बोलोगे क्योंकि चारों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर है, अच्छा एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव जीरो एग्जिस्ट कर रही है, और चौथी चीज इनवर्स इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। टू का एडिटिव इनवर्स -2 इंटीजर है, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 इंटीजर है। इसका मतलब ये वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या आप सिंपल लैंग्वेज में ये मोनॉइड है जिसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको आप क्या बोलोगे, ग्रुप बोलोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब इसके अलावा एक पांचवा नाम भी होता है जिसको आप कहते हो एबिलियन ग्रुप, लेकिन ये एबिलियन ग्रुप सब में बोल सकते हो, मतलब आप जो वर्ड है ना एबिलियन का, मैं यहां पे बता देता हूं, जो एबिलियन किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हो, कहने का मतलब एबिलियन आप एबिलियन ग्रुपॉइड भी बोल सकते हो, एबिलियन सेमी ग्रुप भी बोल सकते हो, एबिलियन मोनॉइड, एबिलियन ग्रुप, कुछ भी आप वहां पे बोल सकते हो, ठीक है। जो एबिलियन जब भी आ जाए ना, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि एबिलियन ग्रुपॉइड, तो कहने का मतलब ऐसा ग्रुपॉइड जो कि कम्यूटेटिव हो, क्योंकि एबिलियन का वर्ड बोलती है, मतलब वो क्लोजर होगा, मतलब उसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर है और साथ साथ वो कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एबिलियन ग्रुपॉइड है,
आप x स्टेरिक y करो या y स्टेरिक x करो, आंसर 10 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव पे फर्क नहीं पड़ा ना, ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ा, x स्टेरिक y, y स्टेरिक x, ये तो ये एबेलियन एबेलियन ग्रुप पार्ट इसको कहोगे। इसी तरीके से होगा एबेलियन सेमी ग्रुप। एबेलियन सेमी ग्रुप क्या होगा, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ऐसा ग्रुप पॉइंट जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ साथ कम्यूटेटिव भी हो, तो उसको बोलोगे एबेलियन क्योंकि कम्यूटेटिव है, और ग्रुप पॉइंट विद एसोसिएटिव तो उसको बोलोगे सेमी ग्रुप, तो एबेलियन सेमी ग्रुप आप बोल सकते हो। और ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ये एबेलियन सेमी ग्रुप है, ये कम्यूटेटिव भी होता है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। अच्छा मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आप उसको ग्रुप पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड होगा नहीं, कह सकते हो ग्रुप पॉइंट क्योंकि वो क्लोजर होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एसोसिएटिव भी होते हैं, मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी भी है क्योंकि उन्होंने एम थ्री डिस्कस किया है यहाँ पे, तो एम थ्री का मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी, जीरो 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 नल मैट्रिक्स होगी एम थ्री के अंदर। इसी तरह इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात करो, तो मैट्रिक्स मतलब ये वाला जो है मैट्रिसेस थ्री बाय थ्री की और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, इसके लिए अच्छा वर्ड है कि ग्रुप है, बल्कि और अच्छा वर्ड है एबेलियन ग्रुप, क्योंकि ग्रुप भी है क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी भी होगी इनवर्स भी होगा इसके अंदर, एडिटिव इनवर्स होगा ना, एक मैट्रिक्स 3 बाय 3 की है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है 3 बाय 3 का ही होता है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्रुप है साथ साथ कम्यूटेटिव भी है, तो एबेलियन ग्रुप अच्छा वर्ड है इसके अंदर, क्योंकि एबेलियन ग्रुप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ग्रुप पॉइंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ग्रुप पॉइंट इसको बोलोगे तो मतलब सेंस बनेगी कि पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मजा नहीं आ रहा। कंप्लीट अगर आप इसको बोलना चाहोगे तो एबेलियन ग्रुप या खाली ग्रुप भी आप बोल सकते हो, लाइक मैक्सिमम चीजें आप बता रहे हो ना कि मैक्सिमम चीजों को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बुक ने खैर ग्रुप पॉइंट बोला, ग्रुप पॉइंट ऑब्वियसली होगा जाहिर सी बात है, इसको तो आप सेमी ग्रुप भी बोल सकते हो क्योंकि सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेहतर वर्ड ग्रुप है, लेकिन खैर आप बोल सकते हो बाकी चीजें भी। फिर एक बार सेमी ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव हो उसको आप एबेलियन सेमी ग्रुप कहते हो, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस हुई है। उसके बाद अगर 5.5 पे वही ग्रुप डिस्कस किया हुआ मैं, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बता देता हूँ इसमें से जो मिस हो गई हो। इन्होंने एग्जाम्पल दी हुए z+ तो मैंने भी दे दिए। फिर एग्जाम्पल है क्या कहते हैं, z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप, वही जो मैंने बात बताई थी कि जो ग्रुप नहीं है z, और अच्छा मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट भी यूज करते हैं और मल्टीप्लीकेशन साइन भी यूज करते हैं, ये ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी 1 तो है इसके अंदर, मतलब ये मोनॉइड है ये समझ लो, इसको आप यहां पर लिख सकते हो ये मोनॉइड है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, पहली बात क्लोजर है एसोसिएटिव है तो इसका मतलब सेमी ग्रुप है, लेकिन सेमी ग्रुप के साथ साथ इसके अंदर आइडेंटिटी भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 1 होती है जो कि इंटीजर के अंदर मौजूद है, तो अच्छा वर्ड है आप इसको मोनॉइड बोलोगे। ग्रुप इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि ग्रुप के लिए फिर इनवर्स भी होना चाहिए और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इंटीजर का नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 इंटीजर नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये मोनॉइड होगा, लेकिन इसको आप ग्रुप नहीं बोल सकते, तो नॉट अ ग्रुप आप बोल दो इसको। इसी तरीके से बुक ने लिखा है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, पर नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव की तो औकात ही नहीं है, वो तो मोनॉइड नहीं है तो ग्रुप कैसे होंगे, और नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगेन वही मसला है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, और आइडेंटिटी तो होगी लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। फिर एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है रियल नंबर, अच्छा ये जो है ना बड़े बड़े सेट्स आए रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, देखो जितने बड़े सेट है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो मसले ही नहीं है उनके अंदर, जो बड़े बड़े सेट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर रैशनल नंबर इनमें मसला जीरो करता है जब आप मल्टीप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हो, प्लस की तो कोई औकात ही नहीं है इनके अंदर, प्लस तो आराम से सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आर पॉजिटिव हो जाए इसी तरह सी मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ पॉजिटिव कंसिडर कर लो कोई मसला नहीं, ग्रुप ही ग्रुप है। हाँ अब आ जाओ आप बाकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे, जो रियल पॉजिटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, क्योंकि रियल पॉजिटिव में पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, जीरो हट गया यहां से, तो पॉजिटिव रियल नंबर का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन पॉजिटिव में तो जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना, नहीं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो आइडेंटिटी 1 होगी ना, अगर इस चीज को प्लस कर देते अब मसला हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है ना, जीरो नहीं होता, जीरो को पॉजिटिव तो नहीं है ना, जीरो तो एक न्यूट्रल से यार जवाब मेरा कहीं और जा रहा है, जीरो न्यूट्रल है। खैर तो पॉजिटिव तो भाई सिंपल सी लैंग्वेज में पॉजिटिव जो अगर आप बात करो तो उसमें जीरो नहीं होता, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, तो तब मसला होगा तब ये ग्रुप नहीं होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है क्योंकि 1 इसके अंदर होगा, 1 एडिटिव आइडेंटिटी है, और चौथी चीज इनवर्स, इनवर्स भी बिल्कुल होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है ना,
तो रेशनल नंबर, रियल नंबर में रेसिप्रोकल का क्या इशू है? टू रियल नंबर है, वन अपॉन टू भी रियल नंबर है, टेन रियल नंबर है तो वन अपॉन टेन भी रियल नंबर है, तो ये ग्रुप हो गया। इसी तरह हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एंड मल्टीप्लीकेशन, वो भी रियल नंबर, वो भी ग्रुप होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों डिस्कस किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लीकेशन, और लिखा मैं इस चीज को इसके साथ, मैंने यहां पे डिस्कस की भी है मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिस्कस की भी, तो ग्रुप है। अच्छा, अलग से उन्होंने डिफाइन किया, इसको स्टेरिक बोला है। अब इसको उन्होंने क्या डिफाइन किया है, इस वाली चीज को उन्होंने डिफाइन किया है कि इट्स कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली वो यहां पे इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसिडर कर रहे हैं और इसको डिफाइन कर रहे हैं नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर कर रहे हैं यहां पे, तो अगेन ग्रुप होगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करो, और अब देखो यहां पे मतलब सेंस नहीं बन रही ना, अजीब सा सी कॉम्प्लेक्स प्लस लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज कर दिया उन्होंने कि मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, मैं खाली मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो सेट है उसको नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं उसके अंदर। तो खैर अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है इनकी डेफिनेशन में बताते तो ग्रुप ही होगा ये, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, नोटेशन को सेंस इतना बना दी है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड ग्रुप फॉर एवरी एलिमेंट। हाँ, वो इन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी की, उन्होंने वो मोनाड डिस्कस नहीं किया ना, तो उन्होंने बोला हुआ है सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी, ये चीज सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी मतलब मोनाइड, और इज कॉल्ड ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट का इनवर्स हो, मतलब ये वाली चीज डिस्कस की हुई है कि सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी और उसका इनवर्स एक्सिस का उसको ग्रुप कहते हैं। तो डेफिनेशन वही है, बस इन्होंने लंबी की हुई है, इस तरह ग्रुप डिफाइन किया है। और फिर पेज नंबर 151 पर उन्होंने एबिलियन ग्रुप डिफाइन किया था, अ ग्रुप इज सेड टू बी एबिलियन ग्रुप इफ वो कमोटेटिव हो, मतलब ग्रुप है तो इसका मतलब चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन कमोटेटिव भी अगर हो तो एबिलियन ग्रुप आप कह दोगे। उसके बाद बुक ने 151 पे फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए, ये पांच चार ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एबिलियन तो आप किसी के साथ भी वर्ड यूज कर सकते हो, एबिलियन किसी के साथ भी यूज कर रहे हो मतलब कमोटेटिव वो सेटिस्फाई कर रहा हो। मैट्रिसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल M3 है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, अब इसको आप एबिलियन नहीं बोल सकते सबसे पहली बात, क्योंकि आपको पता है मैट्रिसेस कमोटेटिव नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो एबिलियन का वर्ड नहीं बोल सकते। अब सवाल है कि क्लोजर तो होंगी है, फिर एसोसिएटिव भी होती हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल आइडेंटिटी 100 यूनियन मैट्रिक्स भी होगी, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ इनवर्स में मसला हो जाएगा, क्योंकि एक तो मसला 0-0 कर रहा होगा, दूसरा मसला सिंगुलर मैट्रिसेस कर रही होंगी, तो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो ये शुरू की तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, तो इसको आप मोनॉइड बोल सकते हो कि सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी है इसके अंदर यूनियन मैट्रिक्स है, तो मोनॉइड बोलोगे, लेकिन एबिलियन कहीं नहीं हो सकता, एबिलियन मोनॉइड नहीं बोल सकते, एबिलियन सेमी ग्रुप नहीं बोल सकते, एबिलियन ग्रुपॉइड नहीं बोल सकते, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव नहीं होती। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, या जो आप ग्रुप के अंदर सेट कंसिडर कर रहे हो अगर वो सेट जो है वो फाइनाइट है, मतलब खत्म हो रहा है, जैसे ये सेट जो है ये फाइनाइट है, तो अगर ये ग्रुप बनाता तो इसको आप बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट क्या होगा कि जो सेट आपने कंसिडर किया वो इनफाइनाइट हो, जैसे ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि जो भी इनमें सेट कंसिडर हुए हैं वो सारे इनफाइनाइट है, और तो कोई बुक ने डिफाइन नहीं किया। तो बच्चों डिटेल मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है,